तो वहीं रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल अभी भी जारी है। नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल जारी है। पिछले 56 दिनों से ये हड़ताल जारी है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है ये 56 दिनों से। मनरेगा कर्मचारियों की मांग को लेकर कमेटी का गठन हुआ है। तो राजधानी रायपुर से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं, जहां मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल अभी भी जारी है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है पिछले 56 दिनों से। नियमितीकरण की मांग को लेकर जो है अभी भी हड़ताल पर है मनरेगा कर्मचारी। सत्या राजपूत के पास चलते हैं। सत्या, अभी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है मनरेगा कर्मचारियों की, बताइए क्या है पूरी अपडेट। देखिए, मनरेगा कर्मचारी हैं जो हैं अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर पहले जो उन्होंने जो है सत्याग्रह क्रिया, फिर दांडी यात्रा निकाले, उसके बाद जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और आज हड़ताल के जो है 56वां दिन है और लगातार वो अपनी मांगों को लेकर सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका आरोप है कि सरकार तक तो आवाज़ पहुँच रही है, लेकिन उनके जो समस्या है उसका समाधान नहीं निकल पा रहा है। CM से अब तक की बात करें तो 2 बार मुलाकात हो चुकी है, और 2 बार मुलाकात होने के बाद इस समस्या के समाधान के लिए कमेटी गठित की गई है। लेकिन यहाँ पे चौंकाने वाली बात यह है कि लगभग 20 दिन के बाद भी कमेटी के एक भी सदस्य यहाँ कर्मचारियों से बातचीत नहीं की, ना ही उनका तर्क जानने की कोशिश की है, ना ही उनको बुलाया गया है। तो ऐसे में सवाल उठाया जा रहा है कि कमेटी क्या एक पक्षी कार्रवाई कर रही है? अगर कार्रवाई कर रही है तो इन कर्मचारियों से बातचीत क्यों नहीं की जा रही है? कमेटी का जो एजेंडा क्या है, आखिर वो किस तरह से काम करेंगे और क्या है, वो तमाम जो है कर्मचारियों से बातचीत से ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अब तक इनको ना ही बुलाया गया है, ना ही इनसे बातचीत की गई है, इसलिए सवाल उठाया जा रहा है। साथ ही अगर हम बात करें तो ये तो हड़ताल हुआ है नियमितीकरण की मांग को लेकर, वेतन वृद्धि को लेकर, लेकिन यहाँ पे खामियाजा जो है आम जनता को भुगतनी पड़ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।